अज्ञानतमिरामदस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद सबकर हाथ उठा कर बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम आगे। हरे कृष्ण हरि बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण सर्व सर्व मेरे गुरु पाद भक्ति श्री गुरु सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितिन बाबू कृष्ण विष्णु पाद यशोदा सरस्वती श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाजथ प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत गल हम लोग सवेरे इसीलिए जैसे उनको हम ठाकुर जी को पास में राधा कृष्ण और श्री चैतन्य महाप्रभु में जैसे हम लोगों ने वहाँ प्रभु को विद्यमान करवाया। हरे प्रभु जी है वहाँ पर ठाकुर जी के रूप में हम उनका पूजा करते हैं। इसलिए भगवान कोई बोल सकता है वैसे ही तुम लोग चैतन्य महाप्रभु को भी भगवान रूप में खड़े करते हो ऐसे कोई बोल सकते हैं। इसलिए हम कल उदाहरण दिए थे जैसे यहाँ पर जैसे मोदी अगर आएगा ऐसे थोड़ी आ जाएगा। उसके लिए कितने प्लानिंग करना पड़ता है। पहले अनाउंसमेंट हो जाता है कब कितने बजे फ्लाइट में कहाँ उतरेगा कहाँ पर आएगा हैं उसको पहले सबके सब सैन्य सामान पुलिस की व्यवस्था बहुत कुछ होता है। सभी जाकर के साधारण कोई प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर आता है। उसी तरह जब वो गोलोक वृंदावन से जब ठाकुर जी आएंगे ठाकुर जी ऐसे नहीं आ जाते ही पहले अपना परिकर अपना भक्तों को पहले उसको बाद में जा करके ठाकुर जी आते हैं। जैसे अभी कल की अवतार हुआ है लेकिन भागवत ने बता दिया ये कल की अवतार कहाँ होने वाला है। कल की अवतार कहाँ होने वाले हैं और उनको पिताजी के माताजी का नाम क्या होगा आके वो क्या करेंगे भागवत ने बताया क्या पहले से बता दिया है। बोले संभल ब्राह्मण ब्राह्मण से महात्मन भवने विष्णु कल की प्रादुर्भविष्यति। बोले संभल गुरु ब्राह्मी कहते संभल ब्राह्मण से ब्राह्मणश्च महात्मन। बोले किसके घर में आएंगे ब्राह्मण के घर में आएंगे। बोले पिताजी का नाम क्या होगा। बोले भवने विष्णु जसस्य पिताजी का नाम क्या होगा विष्णु जस नाम। बोले कल की प्रादुर्भविष्यति कलयुग में ठाकुर जी वहीं पर ठाकुर जी आएंगे। कहते उसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु भी कलयुग में आएंगे। कहते इसका कोई क्या प्रमाण क्या है। इसलिए गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे नैमी नव योगेंद्र संवाद को श्रवण कर रहे थे। कैसे नैमी महाराज ने नव योगेंद्र को नौ जो योगेंद्र थे कभी अभी अंतरिक्ष प्रबोध विपला ने सबको उन्होंने अलग 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 उन्होंने प्रश्न किया। लेकिन उसमें एक योगेंद्र को एक उन्होंने प्रश्न किया था। क्या प्रश्न किया था। बोले कलयुग में अवतार कौन है और उनको कैसे उनको भक्ति किया जाए। तब नव योगेंद्र में एक जो थे तो उन्होंने उसको उत्तर दिया है। क्या उत्तर दिया उस लोगों को लिखना तो लिख सकते हो लाए कॉपी में नहीं लाए ना
बोले कृष्णा वर्णम तिसाम अकृष्णा सांग पांग अस्त्र पादतम जज्ञै संकीर्तन प्रायरे जयंती सुमेध सब। बोले कलयुग में जो लोग बुद्धिमान व्यक्ति होंगे हैं वो क्या करेंगे, किसको भजन करेंगे? बोले कृष्णा वर्णम, कृष्णा ये दो जो अक्षर है जिसको जुहा पर हर समय कृष्ण का नाम वर्ण करेगा। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पादमा राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा, जैसे महाप्रभु हर समय ये कीर्तन करते थे। इसलिए कहते जिनकी जुहा में हर समय ये कृष्ण का ही जो नाम वर्ण करेगा, क्योंकि कलयुग में कृष्ण स्वयं कृष्ण प्रेम का रस को आस्वादन करने के लिए वो राधा जी की भाव और अवदान को लेकर के आए कलयुग में हैं। इसलिए कृष्ण के अंदर में क्या माधुर्य है, इसलिए कलयुग में कृष्ण ने क्या किया, राधा जी की भाव और अवदान दिया। राधा जी कैसे है, गोरी है, इसलिए महाप्रभु भी देखो गोरे हैं, महाप्रभु की गोरे है। इसलिए कहते अल्प कृष्ण, वो अंदर में कृष्ण है इनके बाहर में ये गौर रूप है, ये बाहर में ये गौर रूप है। राधा जी के भाव अंगा के लेकर के आए, इसलिए जैसे श्रीमती राधा रानी हर समय कृष्ण का नाम ग्रहण करती है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी कृष्ण का ही नाम ग्रहण करते हैं। बोले कृष्ण ना कहते कृष्ण वर्णम, बोले तिसाम अकृष्ण, तिसाम मतलब क्या, बोले जिनकी शरीर का रंग, शरीर का रंग क्या होगा, बोले अकृष्ण, बोले कृष्ण नहीं मतलब क्या गौरव वर्ण, कृष्ण नहीं मतलब क्या बनेंगे, ये गौरव वर्ण लेकर के आएंगे। बोले क्या वो अकेले आएंगे, बोले नहीं, भगवान अकेले व्यक्ति आते नहीं, अपना परिक्रम लेकर के आते हैं। जैसे राम कृष्ण ये अकेले थोड़ी आए, तो पूरा धाम और परिक्रम लेकर के जगन आए, कहते इसलिए वो अकेले नहीं आएंगे, पूरा धाम और परिक्रम को लेकर के आएंगे। बोले परिकर कौन बनेंगे, बोले श्री नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य, कहते उनका अंग है नित्यानंद प्रभु, कौन है बोलो बलदेव, और श्री कहते अद्वैत आचार्य कौन थे, बोले सदाशिव, ये सदाशिव है। इसलिए कहते इनका कलयुग में अस्त्र क्या था, बोलो अस्त्र क्या था, जैसे तृतीया युग में भगवान राम ने धनुष था, द्वापर युग में भगवान की कृष्ण का चक्र था, बोले उसी तरह बोले कलयुग में भगवान के अस्त्र क्या होगा, बोले कलयुग में वो कोई अस्त्र धारण को नहीं करेंगे। क्या अस्त्र था, हम कामना हो तुम्ही अच्छे तरह सुन दो उत्तर बेटो, ये तुम लोग भी अच्छे सुनो, कलयुग में अस्त्र क्या है, हरिनाम ही कलयुग में अस्त्र है। आप बोलोगे अस्त्र हरिनाम अस्त्र कैसे हो सकता है, अस्त्र से क्या करते, काटते हैं ना इसको, मारते, जैसे राम ने मारे कृष्ण ने चक्र ने मारे, मारते हैं ना चक्र से, लेकिन बोले हरिनाम से कैसे मारेंगे, बोले दूसरे दूसरे अवतार में वो ऊपर से संतुल को तो मारे, लेकिन कलयुग में चुपे कृष्ण राधा के भाव अंगा में लेकर के आए, और राधा रानी बड़ी दयालु हैं, कहते ना करुणा गुरुमयी करुणा मयी थी, राधा रानी बड़ी दयालु थे, इसलिए उन्होंने किसको मारे नहीं, जैसे राम भी मारे कृष्ण भी मारे, लेकिन कभी सीता किसको नहीं मारे, राधा रानी किसको नहीं मारे, माँ है ना, अब जना कर माँ बोलते ना मुँह खुल जाता है, क्या हो जाता है, माँ बोलो मुँह खुल गया ना, मतलब क्या है, मैया जरूर कुछ खाना खिलाए लड्डू खिलाए, इसलिए माँ शब्द बोलते माँ बड़ा प्यारा शब्द है। इसलिए कहते जो इसलिए कभी सीता थी और कभी राधा ने कभी उसको मारे नहीं, इसलिए कलयुग में भगवान राधा जी भाव अवतार में लेकर के आए, इसलिए कलयुग में वो किसको मारेंगे नहीं, मारेंगे तो लेकिन अंदर से हमारे अंदर में जो बड़े बड़े काम क्रोध लोभ मोह ये जो शत्रु बैठा हुआ इसको मार देंगे। बोले कैसे वो मरेगा, बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा।
मंत्र जप करेंगे हमारे हृदय में जो बड़े बड़े काम क्रोध बैठेंगे सबके सब खत्म कर देंगे। इसलिए महापुरुष बोले चेत दर्पण मार्जनम, हरिनाम करने से क्या होगा तुम्हारी जो चित्तवृत्ति जो दर्पण है वो साफ हो जाएगी, हैं वो साफ हो जाएगी भगवान की नाम जप करने से। इसलिए पहले पार्षदम बल्कि उनका कई कर लो कौन थे बोले श्री गदाधर पंडित, गदाधर पंडित कौन थे दादा बोले श्रीवास पंडित कौन थे नारी श्रीवास पंडित बन कर क्या है। और इसके ये पंच तत्व रूप में जिसे हम बोलते हैं ना श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास श्री गौरव तत्व बन गए हैं। इसलिए पूरा भगवान परिक्रमा को साथ में आए बोले जो कलयुग में जो सुमेर होगा ये चीज अच्छी तरह समझो कलयुग में सुमेर धसा वे जो अत्यंत बुद्धिमान जो कलयुग में होंगे वो क्या करेंगे बोले कलयुग में भगवान को आराधना कैसे करेंगे ये चीज को ध्यान में रखो बोले यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंति ही सुमेर नर त्रय पारा। इसलिए बोले कलयुग केवल केवल क्यों बताए अगर कलयुग में अगर कोई व्यक्ति प्रभु को प्राप्ति करने के लिए कोई योग ध्यान तपस्या दान करे पहले काम बताया कलि संतरण मतलब क्या है कि अगर ये कलयुग में संतरण मतलब करना अगर ये कलयुग कोई पार करना चाहता है फिर उसको क्या करना पड़ेगा बोले हरि नाम। इसलिए देखो पहला लाइफ में तीन बार बोल दिया हरि नाम हरे नाम हरे नाम जैसे किसी बात को जब तीन बार बोल देते ना नहीं नहीं नास्ते व नास्ते व नास्ते व तुम लोग संस्कृत पढ़ते हो ना तुम लोग संस्कृत पढ़ते हो उसमें जो एवर शब्द आता है ना जब किसी बात को पक्की करते हैं उसका तभी ये एवर शब्द आता है हैं तभी ये एवर शब्द को प्रयोग करके जब किसी बात को पक्की कर देते हैं मतलब है कलयुग में हरि के नाम के सिवाय कलयुग में कोई गति नहीं गति नहीं गति नहीं। इसलिए तीन तीन बार बोले तीन तीन बार क्यों बोले एक बार बोल देते ना तीन बार क्यों बोले एक बार क्यों बोलते थे बोले इसलिए तीन बार बोले दो कारण से पहला कारण है जब किसी बात को तीन बार बोलते थे पक्की हो जाता है दूसरा कारण है जो कलयुग का जीव है ना इनको जितने समझा नहीं समझ जो कलयुग का जीव है जितने बोलो कभी नहीं समझते हैं है? इसलिए तीन तीन बार बोल दिया भैया प्रभु का नाम को छोड़कर और कहीं मत जाओ। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि सहने सोते समय की बात जागरण जगते समय चलते समय भोजन करते समय क्या करो महाप्रभु उठते बैठते सोते क्या करो हरि की नाम को ही ग्रहण करो हरि का नाम से ही तुम्हारे कल्याण होगा। तब उन्होंने बोले बोले कलयुग में जो हरिनाम ना ये यज्ञ है ये क्या है यज्ञ है बोले हरिनाम को यज्ञ कैसे बताए ये चीज को समझो जैसे मैंने यज्ञ को कहा ना जैसे शास्त्र में बताया जैसे गैया गैया घी से गैया घी से अगर कंडे को द्वारा जैसे गैया के जो कंडे बनता है अगर कंडे के ऊपर में गैया घी को अगर सुहा करते हैं उसमें ऑक्सीजन निकलता है क्या निकलता है ऑक्सीजन निकलती है जो स्वास्थ्य के लिए बड़े लाभदायक है ये एक कारण है। दूसरा कारण है जब यज्ञ में हम देवताओं का नाम लेकर के आहुति देते हैं कि देवता का नाम लेकर आहुति देते हैं वो यज्ञ के द्वारा भोजन करते हैं क्या करते हैं भोजन करते हैं। इसलिए जब शास्त्र ने बताया जब कोई वेद पाठ एक ब्राह्मण जब जन्म ग्रहण करता है देवता लोग प्रसन्न हो जाते हैं बोले क्यों देव वेद पाठी ब्राह्मण यज्ञ करने वाले ब्राह्मण बच्चा जन्म हुआ वो जरूर यज्ञ करेगा यज्ञ को द्वारा हमें क्या करेगा भोजन करेगा कि वो लोग यज्ञ को द्वारा ही भोजन करते हैं। इसलिए क्या होता है कि एक में तो वातावरण भी शुद्ध होता है और दूसरा काम क्या होता है पूरा देवता लोग भी यज्ञ से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बताया कि कलयुग में यज्ञ क्या है कि यज्ञ तो है ही है कलयुग में जो विशेष यज्ञ है हरि का नाम कीर्तन हरि का नाम कीर्तन बोले कारण क्या बोले कारण ये जैसा भगवान का नाम जो करते हैं करना मंगल भवन अमंगल हरि
भगवान का नाम जप करने से इसकी ध्वनि जितने दूर तक जाए, जितने दूर तक उसको ध्वनि जाएगा वहाँ तक कोई पाप नहीं आ सकता। इसलिए कल हरिदास हम सुन रहे थे ना, हरिदास ठाकुर जो पूछे, तुम जोर जोर से क्यों हरिनाम कर रहे हो, तुम जोर जोर से क्यों हरिनाम कर रहे हो। इसलिए हरिदास ठाकुर का नाम सुने हो ना तुम लोगों, वो दिन में 3 लाख हरिनाम करते थे, 1 लाख हरिनाम को मन मन में करते थे, 1 लाख हरिनाम को ऐसे करते थे केवल काम तक सुनाने पड़े, और 1 लाख हरिनाम करते थे जो कि तुम जोर जोर से बड़े जोर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जोर जोर से करते। किसने पूछा भैया तू चिल्ला करके क्यों करते हो, चिल्ला चिल्ला कर क्यों करते हो। हमने सुना भजन मन मन में करते हो, तू चिल्ला चिल्ला कर क्यों करते हो। देखो उन्होंने क्या उत्तर दिया, तुम लोग से प्रश्न करना उत्तर देने, उन्होंने उत्तर दिया एक व्यक्ति कमा करके खुद भजन करता है, लेकिन एक व्यक्ति कमा करके पूरा परिवार को मेंटेन करता है, परिवार को चलाता है। बताओ दोनों में बड़े कौन है, जो परिवार फिर जो मन मन में हरिनाम करता है वो अपना कल्याण सोचता है, लेकिन जब जोर जोर से हरिनाम करते हैं जैसे पशु पक्षी कीड़े मकोड़े पेड़ पौधा, वो भगवान का नाम तो नहीं कर सकते हैं, भगवान उनको ये दिया ही नहीं वो कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन जब भगवान का नाम हम जप करते हैं ना, सबको कानों में ठाकुर जी का नाम सबको कानों में पड़ता है, उनका भी कल्याण होता है। इसलिए यहाँ पर बताए जप तो हरि नामान स्थाने सतो गुणा दिखो, शास्त्र में उदाहरण देकर बताए मन मन में हरि नाम करने से जो पुण्य मिलेगी, अगर कोई जोर जोर से हरि नाम करे तो 100 गुना ज्यादा फल मिलेगा। कितना गुण? 100 गुना। 100 गुना ज्यादा फल मिलेगा अगर कोई व्यक्ति जोर जोर से हरि नाम करे। इसकी कितनी महत्व है, इसलिए एक समय साइंटिस्ट जीवन ये चीज को रिसर्च किया। देखो तुम लोग अच्छे तरह सुन लो, इसको ही बोल सकते हो। साइंटिस्ट जीवन बताए हम कहते हैं ना भगवान का नाम लो मन को शांति मिले, बोलते ना भगवान का नाम लो मन को शांति मिलेगी। हनुमान दिन भर क्या करते हैं, रघुपति राघव राजा राम पति के पावन सीताराम, इसलिए फिर मन को शांति मिलेगी। तब उन लोगों ने एक समय रिसर्च किया, मतलब क्या रिसर्च किया, उन्होंने 3 ट्रेल लिया और 3 ट्रेल जो साबुत मूंग दाल रखी है और थोड़ा थोड़ा पानी दे दिया, 1 ट्रे को साधारण जगह में रख लिया, 1 ट्रे में को जहाँ पर हरे कृष्ण महामंत्र चलता है वहाँ रख लिया, और 1 ट्रे को जहाँ पर रथ रोजित होता है ना उल्टा पुलटा मूंग वहाँ रख लिया। तो देखते हैं क्या होता है, 3 दिन बाद में देखा जहाँ पर साधारण जगह पर जहाँ मूंग दाल रखा था वहाँ पर टुकड़ा हुआ, लेकिन जहाँ पर हरे कृष्ण महामंत्र चल रहा था 2-3 दिन ज्यादा हो गया, और जहाँ पर ये रथ मिली बज रही थी 1 दिन सब बजे भैया सचमुच से भगवान का नाम में बड़ा शांति, मन में बड़ा शांति मिलता है ठाकुर जी का नाम में। साइंटिस्ट ने ये चीज को रिसर्च किया, इसलिए जब उच्चे स्वर से हम हरिनाम कीर्तन करते हैं इसकी आवाज बड़ी दूर तक गूंजता है, जितना दूर तक ये हरि का नाम जाएगा ना कोई दुख कष्ट पाप ताप वहाँ पर भटक नहीं सकता है, जितने महिमा हरिनाम जोर से करने का। लेकिन यहाँ पर बताए यज्ञ, क्या बोले यज्ञ हरिनाम कलयुग में यज्ञ है, बोले प्रश्न करते यज्ञ कैसे है, जैसे आपका यहाँ यज्ञ कुंड है ना, कुंड है यज्ञ करते हो कुंड जैसे यज्ञ कुंड है, यज्ञ करने के लिए पहले कुंड चाहिए, फिर घी देते हैं, हवन सामग्री है, हैं फिर अग्नि है, फिर मंत्र है, जब इतने चीज हो जाकर कहीं यज्ञ होगा। आप बोलोगे हरिनाम यज्ञ कैसे होगा, ये चीज़ को तुमको अच्छे से समझ बढ़िया से समझ केवल कलयुग में हरिना हरि का नाम यज्ञ कैसे हो गया। देखो उदाहरण क्या दिया, देखो जो कान को देखो ना कुंड जैसे बना, जोड़ा कैसे बना था कुंड जैसे बना, यज्ञ हो गया कुंड, जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, जैसे ना इंद्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा बोलते हैं ना देवता का नाम, बोले इसमें मंत्र कहाँ पर है, यदि वो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे, ये क्या हो गया मंत्र। आप बोलोगे उसमें घी कहाँ है, घी कल कल तुम लोग बताना है, तुम बताना कल
उसमें घी का है, बोले जिस भाव को साथ में हम ये हरिनाम करते हैं, भाव को साथ में कहते ना भाव के भूखे प्रभु भावी सारे हैं, जिस भाव से ये हरिनाम करते हैं ये क्या हो गया घी। घी बोले अग्नि का चम्मच होता है ना, चम्मच में डालते हैं, चम्मच में डालते ही नहीं, हाँ इसलिए बोले वो चम्मच का अग्नि जिम्मा, बोले इसमें अग्नि का है, बोले हृदय में भगवान के प्रति जो प्रेम प्रकट होता है यही अग्नि है। मतलब कान रूपी कुंडली कृष्ण क्या करेगा भगवान को हरि नाम रूपी संकीर्तन के द्वारा भगवान को आराधना करेंगे। ये कलयुग का विशेष महत्व है और कलयुग में भगवान कौन है, राधा जी का भाव को लेकर कलयुग में आएंगे और अपना परिकर प्रकाश सर्वत्र परिकर साथ में हरिनाम को प्रचार करेंगे। अच्छी लगता है जब इधर सुन लो, इधर सुनो अच्छे देखो सुना, कहते हैं श्रोता एक सरोता और एक श्रोता, क्या है श्रोता श्रोता कौन है, नहीं कल आप लोग बताए ना वो पंडित जी नहीं, कहते जो कथा कहते हैं ब्याज आने से इसलिए कोशिश करना तुम लोग जल्दी जल्दी भजन कर लें, जल्दी हो जाएगा तो और थोड़ी ज़्यादा सुन लो तो अच्छी भी ज्ञान मिले, हम चाहते तुम लोग जैसे हरी प्रचार कर ठीक है ना, थोड़ी सी पहले बुलाने से बुलाने का जरूरत नहीं, जो श्रोता है